ताकतवर लोग जब सत्ता से बेदखल नहीं कर पाए तो नीतीश कुमार जी को शिखंडी के रूप में इस्तेमाल किया लोगों ने। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सह आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। आए दिन सुधाकर सिंह कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देते हैं जिस पर बवाल मच जाता है। सुधाकर सिंह हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं और कभी भी उन पर तंज कसने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर खूब तंज कसा था। हद तो तब हो गई थी साहब जब उन्होंने मुख्यमंत्री को शिखंडी और भिकमंगा तक कह दिया था। ताकतवर लोग जब सत्ता से बेदखल नहीं कर पाए तो नीतीश कुमार जी को शिखंडी के रूप में इस्तेमाल किया लोगों ने। देखिए, बातों के संदर्भ में यह मुद्दा आया था कि नेता कौन। मैंने कहा था कि नेता हमारे लालू प्रसाद जी हैं और लालू प्रसाद जी को जब विपक्ष के लोग, ताकतवर लोग जब सत्ता से बेदखल नहीं कर पाए तो नीतीश कुमार जी को शिखंडी के रूप में इस्तेमाल किया लोगों ने। वैसे ही महाभारत में जब भीष्म पितामह को लोग नहीं हरा पा रहे थे युद्ध मैदान में तो शिखंडी को सामने कर दिया था। यही इसी रूप में नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में याद किए जाएंगे पद से हटने के बाद। यही मेरा बयान था जिस पर अभी भी कायम हूँ और आगे भी कायम रहूंगा। सुधाकर सिंह के इस विवादित बयान के बाद से बिहार की राजनीति में घमासान मच गया था। आरजेडी के कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार ने सुधाकर सिंह पर हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया था कि क्या वो प्रधानमंत्री हैं? पूर्व कृषि मंत्री ने ऐसा कहा वैसा कहा, मंडी कानून की बात कर क्या मंडी कानून, वो जो कहेंगे वही होगा क्या? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं ना, विभाग उस पर काम कर रहा है ना, कोनो देश के प्रधानमंत्री हैं कि जो कहेंगे वही होगा। कानून अपना, पहले भी मैंने आपको बताया कि 2700 करोड़ रुपये हम लोगों ने दिया है उसको जीर्णोद्धार करने के लिए, तो वही बाजार पर उसमें बाजार समिति का जो है, तो हम लोग उसको जीर्णोद्धार कर रहे हैं और 2700 करोड़ अभी लगाए हैं और आगे पैसा लगाएंगे, तो उसमें हम कोनो गोदाम खोलने के लिए थोड़ी बना रहे हैं उसको, कुछ ना कुछ तो कानून आएगा ना उस पर। तो अभी काम हो रहा है, उसकी हालत अच्छी नहीं थी, 2700 करोड़ रुपए हम लोगों ने दिया है उसको, देने के बाद निश्चित तौर पे उसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम चिंतित हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। अब जेडीयू के मंत्री ने भी सुधाकर सिंह पर खूब हमला बोला है। जेडीयू कोटे के मंत्री जयंत राज ने सुधाकर सिंह को आगरा भेजकर इलाज करने की नसीहत तक दे डाली है। लालू प्रसाद यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी गठबंधन और महागठबंधन पे बोलने के लिए, और कुछ लोग बेमतलब का कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अगर बेमतलब का बोलते रहते हैं तो उनका कुछ इलाज कराने की आवश्यकता है, और इलाज अगर इधर नहीं संभव हो रहा है तो आगरा भी जा सकते हैं, इलाज करा के लौट सकते हैं, सुधाकर सिंह को इलाज और थोड़ा वहाँ घूम फिर भी लेंगे तो दिमाग में शांत हो जाएगा। सरकार तो नहीं व्यवस्था कराएगी, अगर पर्सनल स्तर पे कराने की आवश्यकता होगी तो हम करवा देंगे। यानी कि सुधाकर सिंह के बयान ने बिहार की राजनीति में जो भूचाल लाया था वो अब थमता नजर नहीं आ रहा है।